तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को आपने सुना, तो वहीं कांग्रेस विधायक करण दलाल का कर्ज माफी को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ किए हैं, लेकिन मौजूदा हरियाणा सरकार में किसी मंत्री से लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह उस पहले डिसीजन पर सवाल उठा रहे हैं कि इसमें पिक एंड चूज किया गया है। करण दलाल हमारे साथ है। करण दलाल जी, विधायक हैं कांग्रेस के पलवल से। करण सर, आपसे पहला सवाल तो ये जानना चाहूंगा कि अगर कुछ एक स्टेप लिया है दो सरकारों ने, तो हरियाणा पे किस तरह का दबाव होना चाहिए, और जिस तरह से मौजूदा किसी मंत्री से लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, इस चीज को सवाल उठाकर कह रहे हैं कि आप ने अच्छे तरीके से नहीं किया, इसमें पिक एंड चूज कर दिया, कैटेगरी बना दी, और जो वादे में कंडीशन अप्लाई नहीं थी यहां देते हुए कंडीशन अप्लाई लगा दी। कांग्रेस ने जो वादा किया था किसानों के कर्जों को माफ करने का, वो सरकार बनते ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उनको करने में लगी हुई है। वीरेंद्र सिंह जी और ओपी धनखड़ जी ये बौखलाए हुए हैं, और मैं इनको चुनौती देता हूं कि अगर इनके अंदर गैरत है और किसानों के लिए इनके मन में कोई दर्द है, तो ये अपनी सरकारों से किसानों के लिए जो उनकी दुख तकलीफ है उनको दूर करा के दिखाएं। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात ओपी धनखड़ और चौधरी वीरेंद्र सिंह किया करते थे, उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करके दिखाएं, और बजाय कांग्रेस का विरोध करने के उन्हें कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहिए, जो इतना बड़ा कदम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस राज्यों में जो ये उठाए गए हैं। अगर इनके अंदर गैरत है तो ये अपने देश के किसानों के लिए ये भी कुछ करके दिखाएं। वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि हमने तो किसान को सक्षम करने के लिए, उनकी आय दुगनी करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं, हम कर्ज माफी उसको लेके पार्लियामेंट में टोटल टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा है। दूसरा, हरियाणा के अगर किसानों की हालत देखें तो उसके हिसाब से आपको लगता है कि ये कितना जरूरी कदम है मौजूदा सरकार के लिए, या फिर जो मौजूदा किसान है इस प्रदेश के, जो उनकी कंडीशन है आज की डेट में? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, आप किसी भी मंडी में जाकर के पता करें, किसानों का उत्पादन मंडियों में पड़ा रहता है, और व्यापारियों से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन व्यापारियों को सस्ते दामों पर किसान के उत्पादन को खरीदने के लिए साजिश करती है, और वही व्यापारी किसानों से सस्ता खरीद करके उसे फिर ज़्यादा दाम पर सरकार की एजेंसियों को देने का काम करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह और ओपी धनखड़ में अगर जरा भी गैरत है तो इस धंधे को रोक करके दिखाएं, और जो व्यापारी किसान के उत्पादन का लाभ उठा रहे हैं उस लाभ को किसानों को सीधा देने का अगर इनके अंदर हिम्मत है तो करके दिखाएं। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो करण दलाल का साफ कहना है कि अगर चैलेंज करना है तो चैलेंज करके दिखाइए हरियाणा में, और जितना भी कर्ज माफी करके दो प्रदेशों की सरकार जो कांग्रेस में बनी है वहां करके दिखाइए, और इस तरह से फैसलों पर सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। और हरियाणा में भी कांग्रेस के विधायकों का कहना है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और करण दलाल जैसे बड़े नेताओं का भी यही कहना है कि हरियाणा में इस तरह की कुछ कंडीशन के साथ ही करके दिखाएं बीजेपी, तो जाने, और फिलहाल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। विनोद लांबा, टोटल टीवी, दिल्ली।